व्हेल माशांची उलटी विक्री करण्यास आलेल्या दोघा तस्करांना ठाणे गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुरुवारी सायंकाळी ठाण्यातून बेड्या ठोकल्या आहेत। तर यावेळी अटक करण्यात आलेल्या दोघांकडून तब्बल 4 कोटी रुपयांची व्हेल माशांची उलटी आणि 1 मोटारबाईक जप्त करण्यात आली आहे। यावेळी आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये करोडो रुपये किंमत असलेल्या व्हेलमाशाची उलटी विक्री करण्यास 2 जण ठाण्यातील घोडबंदर रोड परिसर येथे येणार असल्याची माहिती ठाणे गुन्हे शाखा वागळे युनिटच्या पथकास मिळाली होती। यावेळी मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने पोलीस पथकाने गुरुवारी सायंकाळी 5:15 सुमारास जुना जकात नाका घोडबंदर रोड येथे सापळा लावला आणि यावेळी 2 संशयित इसम होंडा कंपनीच्या युनिकॉर्स मोटर सायकलवरून जात असताना पोलिसांना आढळून आले। दरम्यान दोघा मोटरसायकल स्वार इसमांना पोलिसांनी अडवून त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्याकडे 4 किलो 100 ग्राम इतकी समुद्रात आढळणाऱ्या व्हेल माशांची उलटी आढळून आली। तर यावेळी पोलिसांनी दोघा तस्करांना अटक करीत व्हेल माशांची उलटी आणि मोटरसायकल ही जप्त केली आहे। यावेळी जप्त करण्यात आलेल्या उलटीची किंमत तब्बल 4 कोटी रुपये इतकी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। तर या घटनेचा तपास सुरू असल्यानं अटकेतल्या आरोपींची नावे देण्यास पोलिसांनी सध्या नकार दिलाय। थाने शहर क्राइम ब्रांच के नेट पास वगले यहाँ पे कार्यरत एपीआई अनिल सुबह से इनकी गोपनीय सूत्र से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि घोड़बंदर रोड जकात नाके के पास 2 आदमी 2 सस्पेक्ट कुछ वेल मछली की अंबरदिस बेचने के लिए आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमने वर्कआउट किया हमारे सीनियर ऑफिसर से उससे शेयर करके उनके गाइडेंस में वहाँ पे हम लोगों ने 1 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे के करीब वहाँ पे हमने ट्रैप लगाया। तो वहाँ पे ये 2 लोग मिले हैं जिनके नाम है मंगेश दिलीप जावले 42 रहने वाला कांदिवलीपुर का है और दूसरा नंद कुमार वासुदेव दाभोलकर एज 57 और ये विरार वेस्ट का रहने वाला है। इनके पास से हमको 4 किलो 100 ग्राम इतना वेट की जो अंबरदिस मिला है प्राइमरी चेकअप में वो ये अंबरदिस है ये कंफर्म होने के बाद उनको जब्त करके लिया है और उसके तहत कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो क्या हुआ थी? दोनों आरोपी को कोर्ट के सामने माननीय कोर्ट के सामने पेश करने के बाद उसको 7 तारीख तक कस्टडी मिली है। ऐसा पता चला है कि जो ये अंबरग्रीस है इसका उपयोग परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका मांग ज़्यादा है सिवाय चाइना के मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है उपयोग किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में पर केजी 1 करोड़ इतनी करोड़ रुपीज इतनी इसकी वैल्यू है ऐसे मालूमात मिली है ऐसी जानकारी मिली है। हम लोग ये माल कहाँ से उसने लाया कहाँ बेचने जा रहा था इस तरह से उसको मिला इसके बारे में हम लोग और जानकारी।